So today we will start with the chapter Microbes, Role of Microbes in Human Welfare. जल्दी से जिस तरह से मैं टेबल बना रही हूँ आपने भी वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पे पहला है कि कर्ड बनाने के लिए हम कौन सा माइक्रोब यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस। एसिडोफिलस। It produces lactic acid. Which curdles? Milk protein casein. उसके बाद सेकेंड आ जाता है योगर्ट। होता कर्ड की तरह से ही है बट फ्लेवर्ड है, ठीक है। तो योगर्ट जो है, योगर्ट बनाने के लिए इट इज लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। ये दो कंपोनेंट्स बनाता है, लैक्टिक एसिड एंड एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड गिव्स फ्लेवर टू द योगर्ट। थर्ड आ जाता है बटर मिल्क। एक तो हम घर में लस्सी या छाछ जो आ जाती है घर में बनाते हैं, एक इंडस्ट्री में बनाते हैं, तो बटर मिल्क जो है उसके लिए इट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। आप पूरा लिखना स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अनदर इज स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरस एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ये बैक्टीरिया है जो यूज करते हैं हम फॉर प्रोड्यूसिंग बटर मिल्क। देन उसके बाद आ जाता है बेटा चीज। चीज हमारे पास कई तरह का है, जो हम नॉर्मल जो हम लेते हैं या आपका पनीर जो है रॉ चीज। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एंजाइम रेनिन, RENNIN फ्रॉम काफ स्टमक और प्लांट या एंड कर लो विधानिया कोएगुलेंस। ये प्लांट का नाम है, ठीक है। इसमें से एंजाइम रेनिन एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड दिस इट कॉजेस कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन प्रोड्यूसिंग रॉ चीज, ठीक है। दूसरा है बेटा स्विस चीज। रॉ चीज जो आप पनीर खाते हैं, स्विस चीज है जिसमें होल्स होते हैं। द होल्स इन द
स्विस चीज चीज ये रॉ चीज ही है बट इसमें होल्स होते हैं जिससे फ्लेवरिंग हो जाती है होल्स इन द स्विस चीज इज ड्यू टू CO2 produced by bacteria ka kya naam hai that is propionibacterium Chermini. Propionibacterium chermini. This is Swiss cheese. Another is Roquefort cheese. Cheese yahi hota hai. Isko aage process kiya jata hai. Roquefort cheese. Cheese is processed by fungus Penicillium Roqueforti ठीक है ये फ्रांस में है ना फ्रांस में मैंने पहले भी आपको बताया था कई गुफाएं हैं केव्स है जहां पे ये फंगस नेचुरली मिलती है वहां का क्लाइमेट वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है जहां पे दिस फंगस ग्रोस तो वहां बड़ी बड़ी पनीर के बॉग जो हम कह सकते हैं सील्स जो होती है सीलियां जो होती है वो रख देते हैं वहां पे दो महीने चार महीने छह महीने के लिए जिसके ऊपर ये फंगस फिर ग्रो करती है और उसको स्पेशल फ्लेवर देती है इसी की तरह से एक है कैमेम्बर्ट चीज ये भी प्रोसेस्ड बाय फंगस पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई ये दोनों कैमेम्बर्ट एंड रॉकफोर्ट जो है फ्रांस में दो प्लेसेस का नाम है तो उन्हीं के नाम पे ये फंगस का भी नाम रखा गया पेनिसिलियम रॉकफोर्टी एंड पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इडली एंड डोसा के लिए कौन सा माइक्रोब यूज करते हैं दैट इज बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टॉक या फिर स्ट्रेप्टोकोकस ठीक है ये क्या करता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स इन राइस एंड दाल प्रोड्यूसिंग CO2 ये क्या करता है विच पफ्स अप द मिक्सचर या डो पफ्स अप का क्या मतलब है उसको हम कहते हैं स्वेल हो जाता है ठीक है इसी तरह से जो है ब्रेड एंड केक्स इसके लिए हम क्या करते हैं दैट इज यीस्ट कौन सी अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक करें
ब्रीवर्स यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया कई तरह की यीस्ट है ये स्पेशल है दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया अगेन ये क्या कर रही है फर्मेंटेशन ऑफ डो या फ्लावर वीट फ्लावर वीट फ्लावर शुगर CO2 और ये भी वही करती है दैट इज पफिंग अप द डो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ये सिर्फ यहाँ पे माइक्रोब तो नहीं लिखा बट टोफू एंड टोफू टोफू एंड टोफू जो है सोयाबीन के बनते हैं पनीर की तरह से ही होते हैं बट विद अ डिफरेंट टेस्ट इट इज द फर्मेंटेड फूड्स फॉर्म्ड फ्रॉम सोयाबीन सोयाबीन यू नो इट इज रिच इन प्रोटीन ठीक है तो जो बेटा वीगन्स होते हैं वीगन्स मतलब कि हमने एनिमल प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना दूध से बनी चीजें नहीं लेनी तो वो पनीर नहीं खाते तो उनके लिए क्या है टोफू एंड टोफू अनदर इज सोया सॉस It is formed by fermentation of again soya bean and wheat. इन दोनों को मिला के fermentation से जो product बनता है उससे soya sauce बनती है Another is beverages. Such as beer, wine, rum, etc. These are formed by fermentation of cereals and fruits. With the help of various species of yeast. अगर हम यहां पे बात करें फॉर एग्जाम्पल सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया यही वाली जो है इट इज यूज फॉर मेकिंग बियर ठीक है और भी कई स्पीशीज है दैट इज सैक्रोमाइसिस की जो डिफरेंट जो है ये बेवरेजेस बनाने के काम आती है ठीक है यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट लिख लीजिए द टाइप्स ऑफ बेवरेजेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बेवरेजेस डिपेंड्स ऑन द रॉ मटीरियल used for fermentation wrong इसी के साथ ही इसी के साथ ही लिख लेना the type of beverage depends on the raw material used for fermentation and the method of processing for example wine and beer Wine and beer. Can you repeat the whole sentence? मैंने बताया कि the type of beverage depends on the raw material and the processing and the type of processing.
For example, wine and beer are produced by fermentation but without distillation. इसलिए इनमें अल्कोहल कंटेंट कम होता है. Whereas whiskey, brandy and rum are produced by fermentation followed by distillation. Fermentation followed by distillation. Therefore, they have high alcohol content. और इसी के अंदर लिख लो बियर के लिए रॉ मटेरियल क्या है बार्ले ग्रेन. वाइन के लिए है ग्रेप्स. रम के लिए मोलेसेस. मोलेसेस होता है जो गन्ने का जूस निकाल के जो थोड़ा बहुत जूस रह जाता है और जो उसका बाकी का बचा हुआ है मोलेसेस. ये किसका है? रम का. रम के लिए मोलेसेस. इन स्पेलिंग ऑफ मोलेसेस MOLLASES मोलेसेस. नेक्स्ट आ जाता है बेटा एंटीबायोटिक्स. मैम वेट 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 ये लाइन रह गई थी लास्ट वाली. देख लो क्या लिखा था. फर्मेंटेशन ऑफ सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस. वो हो गया. वैसे भूख लग गई इन सारी चीजों को देख. एक मिनट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल्स produced by microbes against other microbes that are antibiotics. First discovered by Fleming who observed that an unwashed culture plate of bacterium ya bacteria staphylococcus कोई वो वेस्ट होगी वो उसने धोने के लिए रखी थी बट अभी उसको धोया नहीं था. स्टेफाइलोकोकस वो कल्चर प्लेट उसमें मीडियम था और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था. गेट्स कंटेमिनेटेड बाय मोल्ड. मोल्ड मतलब फंगस. मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम और ऑब्जर्वेशन क्या थी? द रीजन्स वेयर मोल्ड वॉज ग्रोइंग किल्ड बैक्टीरिया.
ठीक है जी। तो उसने इस केमिकल को नाम दिया, he named the chemical as penicillin. उसने इसको नाम दिया पेनिसिलिन। इट वॉज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड बाय फ्लोरे एंड चेन, ये साइंटिस्ट का नाम है, फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। फ्लोरे एंड चेन बाय पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। widely used during Second World War. To treat soldiers. 1945 में Fleming, Flore and Chain को बेटा Nobel Prize मिला। ठीक है जी। तो अब थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लें एंटीबायोटिक्स की, कौन कौन सी है। पेनिसिलियम तो पता ही चला गया आपको, पेनिसिलिन, फंगस पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। अनदर इज ग्रीसियोफल्विन। It is also by fungus Penicillium Griseofulvum. Another is Streptomycin. Bacteria. Streptomyces griseus. Streptomyces griseus. One second, just spelling bolna. किसके बेटा? ग्रीसियोफल्वम। सॉरी ग्रीसियोफल्विन, फल्विन, आई एम सॉरी ग्रीसियोफल्विन। तो मैं इनको फंगस का, और वो है पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा क्लोरोमाइसिन। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला। टेट्रासाइक्लिन
bacteria Streptomyces aureofaciens. और लास्ट एक एरिथ्रोमाइसिन हाँ अनदर इज द लास्ट वन इज एरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस. So these are, there are many antibiotics, but these are some of the common antibiotics. Okay. Likh liya sabne? Yes, ma'am. Chaliye ji. Next time aa jaate hain beta. Enzymes. Next is enzymes. Enzymes mein first hai lipases. सोर्स है फंगस कैंडिडा और फंक्शन क्या है लाइपेसिस का. कंपोनेंट ऑफ डिटर्जेंट्स. To remove oil stains. Second आ जाता है very very important. लिख लेना important. आना ही आना है इसमें question. Boards में भी और PMT में भी. Tractokinase. इसका दूसरा नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जिसको शॉर्टली टीपीए भी कह देते हैं एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस. Streptococcus species. और function क्या है इसका? It dissolve clots या blood clots आप कह सकते हो. Blood clots from the blood vessels of patients. Suffering from myocardial infarction. Myocardial infarction is heart attack. जैसे ही कोई heart attack वाला patient doctors को पता चल जाता है heart attack पड़ गया तो वो बाकी चीजें बाद में करते हैं. सबसे पहले ढेर सारा जो है कोई इंजेक्शन में कोई डोज होती होगी तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्ट कर देती है ताकि अगर कोई ब्लड क्लॉट है वो फटाफट से डिसॉल्व हो और उसके बाद आगे की चीजें वो देखते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम इसे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के टाइम पे देते हैं बेटा? अगर उससे देखो एरिथ्रोस जो हम कह देते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस उससे भी क्या होता है अल्टीमेटली तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही है ना. यस मैम. ठीक है ना तो फिर वो देंगे. ओके नेक्स्ट आ जाता है साइक्लोस्पोरिन
It is obtained from fungus. Trichoderma polysporus. ये क्या करता है? Inhibits activity of killer T cells. Thus used as immunosuppressant in patients with organ transplant. जरूरी नहीं कि इन्हीं को ही दिया जाए और भी कई इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी जहां पर साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैम ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के टाइम पे दे सकते हैं शायद, है ना? वहां पर भी तो हमें किलर टी सेल्स का काम है. वही बात है, तभी मैंने कहा. अनदर इज स्टेटिंस. स्टेटिंस जो है it is also obtained from the fungus Monescus purpureus. Monescus purpureus is a type of yeast. ठीक है जी. और statins जो है बेटा, it acts by competitive inhibition. मैम एंजाइम का नाम रिपीट करना. एंजाइम, एंजाइम कह लो या ड्रग कह लो, स्टेटिन्स. थैंक यू. एंजाइम्स एंड केमिकल्स आप कह सकते हो. सारे एंजाइम्स तो नहीं है, कुछ केमिकल्स भी है. तो साइक्लोस्पोरिन ए इज ए केमिकल, स्टेटिन्स इज ए केमिकल. ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीन इतने इंपॉर्टेंट है, इनमें से जरूर क्वेश्चन आता है. एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. एंड इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको स्टेटिन्स जरूर दे देते हैं मेडिसिन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ? मैं अभी बताती हूँ, हम चलेंगे. ठीक है, तो ये कैसे एक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, तो ये लिख लो. दे इनहिबिट द एंजाइम. दे इनहिबिट द एंजाइम. एंजाइम का क्या नाम है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल COA रिडक्टेज. ये एंजाइम का नाम है. और ये किसको चेंज करता है? मेवालोनेट. ये सबस्ट्रेट है. इस एंजाइम की हेल्प से इट गेट्स चेंज इनटू कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, ये सबस्ट्रेट है. ये एंजाइम है
और ये प्रोडक्ट है। स्टेटिन्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटिन्स प्लीज जो स्टेटिन्स का स्ट्रक्चर है वो मेवालोनेट से मिलता जुलता है, इसलिए जो स्टेटिन्स है इससे कंपीट करते हैं, कंपीट फॉर द एंजाइम। और स्टेटिन्स इस एंजाइम से बाइंड कर जाएंगे, ये नाउ मेवालोनेट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल, दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पेक्टिनेसिस। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम bacteria by so calymus ठीक है, उसके बाद proteases, इसका source है fungus Aspergillus, ये दोनों used for clearing of fruit juices। बेटा आप देखते हो कि जो हम घर में अगर कोई फ्रूट जूस बनाए तो वो टर्बिड सा होता है, ठीक है, उसमें क्या है पेक्टिन्स है, प्रोटीन्स के थ्रेड्स है, तो उन सबको डाइजेस्ट ये एंजाइम्स करते हैं, जिससे जो मार्केट वाला जूस होता है वो क्लियर जूस है। ठीक है जी, अनदर इज रेनिन, मैंने आपको बता दिया, लाइपेसेस वी हैड डन, अनदर इज अमाइलेजेस। Fungus aspergillus and rhizopus. Function क्या है इसका? Softening of bread, preparation of beer, सबसे पहले बियर में अमाइलेसिस डालते हैं ताकि उसकी जो स्टार्चीज है वो टूट के शुगर्स बने, फिर यीस्ट डालते हैं ताकि फर्मेंटेशन हो। अनदर इज सेपरेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, ठीक है, ताकि फ्रॉम अदर टिश्यूज। So these are various enzymes and chemicals which are obtained from the microbes. Next is acids.
नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं बेटा. ऑर्गेनिक एसिड फर्स्ट आ जाता है इसमें, एसिटिक एसिड, माइक्रोब है बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर, एसिटाइल, यूज होता है विनेगर्स, सिरका बनाते हैं. उसके बाद सिट्रिक एसिड, फंगस, एस्परजिलस एंड म्यूकर, राइजोपस या म्यूकर. और फंक्शन क्या है, यूज्ड एज preservatives, it is used in medicines and modern in dyes. Modern होता है उसको पक्का कर देना dyes को. एक modern हम alum use करते हैं फिटकड़ी, और modern हम सिट्रिक एसिड भी यूज करते हैं. अनदर इज लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, and is used in confectionery. Fruit juices. Butyric acid, Clostridium bacteria, Clostridium butylicum. ये भी कुछ फूड आइटम्स में ही यूज होता है. अनदर इज ग्लूकोनिक एसिड, फंगस, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम. It is given to infants and lactating mothers. Lactating mothers, जो mothers अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं. So these are the various organic acids. नेक्स्ट आ जाता है बेटा माइक्रोब्स यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स. माइक्रोब्स यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड. तो सबसे पहले आ जाइए पेस्टिसाइड्स. पेस्ट इज एनी सब्सटेंस, लिख लो. पेस्ट इज एनी सब्सटेंस विच कॉजेस हार्म.
any unwanted substance which causes harm to our crops or our health? Or our health. Take unit. Pests are any other any unwanted organism which harms our crops, which harms our food, and which harms our health. That is it. That are pests. Pests can be various weeds. They can be various insects. So, सबसे पहले आ जाइए बेटा. बायो हर्बिसाइड, हर्बिसाइड या वीडिसाइड जो हर्बेशियस प्लांट्स को किल करे. बायो हर्बिसाइड फंगस ट्राइकोडर्मा पाल्मीवोरा. बायो हर्बिसाइड फंगस ट्राइकोडर्मा नहीं नॉट ट्राइकोडर्मा आई एम सॉरी इट इज फाइटोफ्थोरा पाल्मीवोरा आई एम सॉरी फाइटोफ्थोरा पाल्मीवोरा. इट इनहिबिट्स growth of milkweed vines. In citrus orchards, नींबू क्या कहते हैं मौसमी कीनू इनके जो orchards है इसमें बहुत ज्यादा milkweed vine मिल्कवीड प्लांट है जिसकी बेलें ग्रो कर जाती है प्लांट्स को खत्म कर जाती है. बट अगर इस फंगस के स्पोर्स का स्प्रे कर दिया जाए तो ये नहीं ग्रो करती. सो इट इज द ये जो है फर्स्ट बायो हर्बिसाइड या हम इसको माइको हर्बिसाइड भी कहते हैं क्योंकि ये फंगस से मिली है. माइको मतलब फंगस से क्योंकि फंगस से मिली है इसलिए माइको हर्बिसाइड फर्स्ट माइको हर्बिसाइड या बायो हर्बिसाइड डिस्कवर्ड. अनदर इज नव्या बेटा हम बायो हर्बिसाइड्स के बारे में कर रहे हैं ठीक है. तो पहले हमने ये किया या बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में हम कर रहे हैं. पेस्ट इज एनी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट आ जाता है बेटा अनदर इज लेडी बर्ड बीटल. एंड ड्रैगन फ्लाइज. बायो इंसेक्टिसाइड है ये. बायो इंसेक्टिसाइड. Controls mosquitoes and aphids on crops. Which feed on plant sap. Another is insect Cactoblastis Cactorum.
ये क्या है, दिस इज यू नो इसको हम बोलते हैं कॉकनियल इंसेक्ट. ये जो है इट वोरेशियसली फीड्स ऑन वीड ओपंशिया. ठीक है, इसको हम वीडिसाइड या हर्बिसाइड कह सकते हैं. वीडिसाइड या herbicide. So it is used to control excessive growth of Opuntia cactus jo hai in India, in pehle likhe Australia aur fir India. Excuse me, ma'am. Ma'am, ladybird mosquito khata hai aur dragonfly aphids? Nahi beta, dono hi. Thank you, ma'am. Next aa jaiye beta. Fungus trichoderma. नेक्स्ट आ जाता है फंगस ट्राइकोडर्मा. इट इज फ्री लिविंग नियर रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स. And it protects plants from various pathogens. Koi specific nahi hai. Another is baculoviruses. Another is baculoviruses. Yeah, baculovirus helioptis. Inko beta. ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? एनपीवी. एनपीवी का न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस. ये कैटेगरी है पूरी, एनपीवी की एक कैटेगरी है जिसमें बैक्यूलो वायरस एक स्पेशल वायरस है. ठीक है, इट इन्फेक्ट्स कॉटन बॉलवर्म. देयरफॉर हम कहेंगे बैक्यूलोवायरस इज ए हाइपर पैरासाइट. हाइपर पैरासाइट का क्या मतलब है? विच इज पैरासिटिक ऑन एनदर पैरासाइट. विच इज पैरासिटिक on another parasite. जो cotton ball worm है वो cotton का parasite है और baculovirus जो है it is parasitic on cotton ball worms. Another is baculovirus के आगे क्या है? HEL. Heliothis. HELIOTHIS. नेक्स्ट आ जाता है बेटा बेसिलस
क्यूरिंग डायलिसिस. यहाँ पे लिख लो बैक्टीरिया बेसिलस क्यूरिंग डायलिसिस. इट इज बायो इंसेक्टिसाइड. It produces cryoprotein. This is ingested by insect larva. Cryoprotein gets activated in alkaline pH of gut of insect larva. Active होके क्या करता है? Makes holes in the wall of gut. This kills insect larva such as caterpillar. कैटरपिलर लार्वा और भी को जो लार्वा इंसेक्ट्स को नहीं उनके लार्वा को मारता है. इट्स स्पोर्स आर कमर्शियली अवेलेबल इन नेम ऑफ फोरिन. और इसको स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स. अनदर इज फंगस बुरीविया. B-E-A-U-B-E-R-I-A. Fungus Boveria. For controlling potato beetles. And codling moth in US. It is used as in bioinsecticide to control potato beetle and codling moth. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा बायो फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स या फिर हम कह देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. So what is organic farming in which biofertilizers are used instead of synthetic or chemical fertilizers? Likh lo. Organic farming is that in which
biofertilizers are used instead of chemical fertilizers. ठीक है, इसमें बेटा दो कैटेगरीज आ जाती है, माइकोराइजा एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स. बहुत बार माइकोराइजा आपने किया है, एसोसिएशन ऑफ फंगस with roots of higher plants. ठीक है, for example higher plants such as oaks, orchids, पाइनस एक्सेट्रा. वो है तो और भी बहुत, बट ये तीन कॉमन है. ठीक है, एंड फंगस मोस्ट कॉमन इज ग्लोमस ऑफ फैमिली विसिडियोमाइसिटीज. माइकोराइजा का फंक्शन क्या है? इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मेक्स मेनी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्लांट्स और तीसरा है प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट पैथोजेंस, अगेंस्ट सेवरल पैथोजेंस. ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिससे पैथोजेंस प्लांट में ग्रो नहीं होते. उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स. इट कैन बी बैक्टीरिया और दूसरा है सियानोबैक्टीरिया. ये आपने प्लस वन में किया हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, बैक्टीरिया आपको पता है फ्री लिविंग सच एज़ोटोबैक्टर एंड सिम्बायोटिक. Excuse me, ma'am, ग्लोमस का बायोलॉजिकल नेम है बसिडियोमाइसिटीज. साइंटिफिक नहीं, नहीं बेटा, ग्लोमस तो साइंटिफिक नेम है और फंगस है ना क्लास बसिडियोमाइसिटीज. थैंक यू मैम. सियानोबैक्टीरिया such as nostoc, anabina, olocyra, etc. ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. एसटीपी एनाबीना के नीचे क्या है? एनाबीना के नीचे ओलोसायरा, AULO
SIRA, Olocyra. Role of microbes in sewage treatment plants, that is STP. सीवेज क्या है बेटा? सीवेज इज वेस्ट वाटर विद ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा. क्योंकि इसमें एक्सक्रीटा मिला हुआ है, देयरफॉर हैज लॉट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड माइक्रोब्स. इफ डायरेक्टली mixed with river water causes water pollution. क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे जिसके कारण माइक्रोब्स तो है ही, और ज्यादा माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, हम वो पानी यूज नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स आ जाएंगे. देयरफॉर sewage is first treated in STP and then mixed with river water. Okay, so ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है, इट हैज टू मेन प्रोसेसेस. सबसे पहले आ जाता है, इट हैज टू स्टेप्स. फर्स्ट है primary treatment. It is physical process. इसमें सबसे पहले क्या है? ये सीवेज है. ये गॉज है for filtration. Floating wastes. जो भी ऊपर वेस्ट वाटर्स में फ्लोट कर रहा है वो यहाँ से अलग हो जाता है. तो यहाँ पे बहुत सारा सीवेज है. उसके बाद देन इट इज दीज आर सेडिमेंटेशन टैंक्स. इसमें द सीवेज वाटर वेस्ट वाटर इज allowed to stand for some time so that insoluble
sand, small pebbles, etc. gets sedimented as, इसको हम क्या बोलते हैं? As primary sludge. तो जो insoluble wastes है, वो यहाँ पे बैठ जाते हैं. और this is called as effluent. या supernatant जो है. Having soluble organic waste. ठीक है? It is then it is poured in ये है aeration tanks. तो यहाँ पे पहले यहाँ पे primary treatment खत्म हो गया. primary treatment की मैंने आपको बताया है दो processes आपको बताई है. that is it includes पहला है filtration और फिर second है sedimentation. फिर उसके बाद सेकेंड आ जाता है बेटा, सेकेंड स्टेप आ जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये शुरू होता है एरेशन टैंक. यहां से एफ्लुएंट आ रहा है. इट इज प्रोवाइडेड बाय लार्ज रोटर्स बहुत बड़े बड़े जैसे पंखे होते हैं ना बेटा. These are, मैं तुम्हें वैसे ही दिखा रही हूँ, बट बहुत बड़े बड़े. दीज आर रोटर्स. ठीक है? तो इसमें द रोटर्स एड एयर इन एफ्लुएंट. रोटर्स घूमते हैं तो इट एड्स एयर इन द एफ्लुएंट. Promotes growth of aerobic bacteria and aerobic filamentous fungi. फिलामेंटस फंजाई और बैक्टीरिया मिलके एक मेश बना देते हैं, एक जाली सी बना देते हैं, है ना. दे फॉर्म मसल्स कॉल्ड एज फ्लॉक्स. ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया भी है इनमें और ये एरोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे.
और ये ऐसे फ्लॉक्स, ये क्या करते हैं बेटा? दे डीकंपोज ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूसेस बीओडी ऑफ एफ्लुएंट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतने इन फ्लॉक्स को, बैक्टीरिया और फंजाई को, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी फॉर डीकम्पोजिशन. जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड कम होती जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. वेन बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर्स या एफ्लुएंट इज रिड्यूस्ड टू, इट इज रिड्यूस्ड टू 5 to 10% या 10 to 15%. When BOD of the effluent is reduced to 10 to 15% as compared to raw sewage. Raw sewage की जितनी BOD थी उसकी सिर्फ 10 या 15% BOD रह जाए तब, then the effluent is shifted to sedimentation tanks. Effluent is shifted to sedimentation tanks. इनमें rotors नहीं है. Where the bacterial and fungal flocks, अब यहाँ पे rotors नहीं है, पानी घूम नहीं रहा. Where bacterial and fungal flocks gets settled down and is known as activated sludge. The treated water is released in rivers or for agricultural purposes ya irrigation purposes. Jabki jo activated sludge hai, likho zara, some of the activated sludge is used as inoculum. Is used as inoculum, I-N-O-C-U-L-U-M, inoculum, which is added in aeration tanks to promote growth of bacteria and fungi. Whereas rest of the activated sludge, which consists of bacterial and fungal flocks along with
precipitated organic matter, precipitated organic. कैसे यहाँ पे organic matter digest होके कुछ organic matter precipitate हो गई. Precipitated organic matter is used for the formation of biogas. Is used for the formation of biogas with the help of anaerobic bacteria called as anaerobic sludge digesters. ठीक है, जो वाटर ट्रीट हो गया वो यूज कर लेंगे. एक्टिवेटेड स्लज में क्या है, एक तो इसमें माइक्रोब्स है, एरोबिक माइक्रोब्स है, और साथ में क्या है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, प्रेसिपिटेटेड ऑर्गेनिक मैटर है. इसको फिर हम किसमें यूज करते हैं, दिस आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके लिख लो डायग्राम में, पोर्ड इन टैंक having activated sludge digesters और हम क्या कहेंगे anaerobic bacteria. ठीक है, these bacteria digest activated sludge and produce methane, carbon dioxide, hydrogen, that is biogas. Is it okay? Yes, ma'am. ठीक है, so this is role of microbes. एक biogas रह गया, वो मैं next time करवाऊंगी. But अब मेरी बात सुन लो पहले जरा सा.